तो हेलो दोस्तों, आज है 30 नवंबर। 3-4 दिन से मेरी कोई वीडियोस नहीं आ रही थी स्टॉक मार्केट को लेके, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मेरी आँख में भी अब देख सकते हो दिक्कत हो रखी है। बट आज सुबह का दिन है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बट हमने लिया है एक ट्रेड और जिसमें लगा है लॉस। मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके, कैमरा ऑन नहीं हो सकता, इसमें शायद उल्टा दिख रहा होगा आपको। 7,300 का लॉस है। हर दिन प्रॉफिट कमाया जा सके ऐसा नहीं पॉसिबल है। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तो देखते हैं इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं। 7,000 लॉस चल रहा है अभी। उम्मीद थी कि मार्केट गिरेगा, बट इस टाइम पे बैंक निफ्टी 300 पॉइंट अप है और 17,176 पे है निफ्टी 50। लेट्स सी यार, ऑफिस जाना पड़ेगा, देख के बताऊंगा तब। लॉस ज़्यादा लग गया आज तो। सुबह सुबह उठाऊँ देखा और जल्दबाजी में तैयार व्यार होकर आया था तो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। बाकी देखते हैं, अभी तक हमने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। पर हाँ, स्टॉप लॉस इज़ अ गॉड। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम ऑफिस जाके लगाएंगे। तो मैं नियर अबाउट 10 बजे के आसपास पहुँचूंगा। दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है उस टाइम पे, या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं। ओके, बहुत तगड़ा लॉस हो गया भाई। तो फाइनली दोस्तों, मैं ऑफिस आ चुका हूँ और ये मेरा ऑफिस है, आप देख सकते हैं। अच्छा, रास्ते में मैंने चलते चलते मैंने एक SBI की कॉल ले ली थी, बैंक की 490 की। एंड इस टाइम पे बैंक इस टाइम 475 चल रहा है SBI का। लग रहा है ये 490 480 तो आज ब्रेक करेगा ही करेगा। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे 2 SL हिट हो चुके हैं जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाए थे थोड़ी देर पहले। वो 36,000 एंड 17,150 के हमारे SL हिट हो चुके हैं। लॉस लगा है, हर बार प्रॉफिट नहीं हो सकता है और ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट हो। जो दिखाते हैं कि वो शायद फेक हो, क्योंकि कांस्टेंट प्रॉफिट तो हर कोई पा नहीं पाएगा, जान ले नहीं पाएगा। और इस टाइम पे ठीक है, ये लॉस लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट का पता नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले 1,300 पॉइंट डाउन हुआ, फिर 500 पॉइंट डाउन हुआ और एंड नाउ आज 600 पॉइंट अप हो रखा है मार्केट फिर से। मार्केट का कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट के एक्सपर्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट हम एक ऑप्शन और फ्यूचर में हम जब खेलते हैं तो सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट किस लेवल पे है, कहाँ से ब्रेकआउट करेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा। तो बस दिखा देता हूँ, 10 रुपये 90 पैसे आ चुका है ये देखो। मार्केट का अगला जो कैंडल है वो रेड में बनना शुरू हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं, ये रेड की कैंडल बन रही है। 15 मिनट का फ्रेम चार्ट है मेरा, ये देखिए ये रेड कैंडल बन गई है। तो यहाँ इफेक्ट आना शुरू हो चुका है, 10 रुपये 70 पैसे आ गया है। बिकॉज 479 474 पे आ चुका है SBI।